हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज हम लोग पुदीने की पत्ती, ये देखिए पुदीने की पत्ती है। आजकल खूब सारे पुदीने की पत्तियां निकल रही हैं, उनको हम साल भर के लिए कैसे रख सकते हैं संभाल के, वो आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो इन पत्तियों का मैंने ये देखिए पाउडर बना लिया है। अभी ये हमारा साल 2 साल जितने दिन भी हम रख सकते हैं इसको, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये पुदीना की पत्ती। और ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, इसको हम लोग दही में, इसका शरबत किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सब्जी में, कई सब्जियों में पड़ती है जैसे कद्दू में। तो पुदीना तो बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए हमको जब भी खूब सारी पत्तियाँ ज़्यादा निकलें तो उसको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लेना चाहिए। तो हम मैंने कैसे बनाया है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कुछ भी नहीं, ज़्यादा काम है, थोड़ा टाइम देना है। देखिए पुदीना हमने एक कैंची से, डंठल से काट के ऐसे रख लिया है। अब इसको हम एक एक पत्ती निकाल लेंगे, ऐसे पत्तियां जो इसकी हैं इन पत्तियों को तोड़ के रख लेंगे। पत्तियां तोड़ने के बाद एकदम सफाई से, इसमें कुछ और ना हो, ध्यान से। जैसे देखिए ये लगा हुआ है, इसको नहीं तोड़ेंगे, ऐसे अच्छी अच्छी पत्तियां तोड़ लेंगे, सूखी सूखी ना तोड़ें। ऐसे सारी पत्तियां तोड़ लेंगे, इसके बाद इसको धो लेंगे। धोने के बाद रूम टेम्परेचर पे, धूप में नहीं, रूम में ही पेपर पर बिछा देंगे। ये 1-2 दिन में अपने आप सूख के तैयार हो जाएगी पत्ती। ये फूल निकलने लगे हैं इसमें, पुदीने में। जितनी भी अच्छी अच्छी पत्तियां हैं वो हम तोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे सारी पत्तियां तोड़ लेंगे। ये देखिए सभी पुदीने के डंठल से पत्तियों को मैंने तोड़कर साफ कर लिया। अब इसको अच्छे से धो लेंगे, खूब अच्छे से इसको धो लेंगे, जैसे इसमें मिट्टी ना रह जाए। धोने के बाद इसको जाली में निकाल लेंगे। जो भी मिट्टी रही होगी वो निकल गई होगी। ऊपर से और पानी डाल देंगे। ये धो लिया। अब इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पेपर पर फैला देंगे, पानी निचोड़ जाए। इसके बाद पुदीने पानी सारा निचोड़ गया, अब इसको मैं पेपर के ऊपर फैला दूंगा। ये 1-2 दिन में अपने आप ही खूब अच्छा सा सूख के तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी हरी हरी पत्ती ये है सूखने के बाद भी। अब ये सारी सूख गई है, आवाज़ सुन रहे हैं आप। अब इसको या तो हाथ से मसल के छन्नी से छान लीजिए, या तो मिक्सी जार में पीस लीजिए। पुदीने के पत्तियों को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, इसको पीस लूँगी। ये देखिए पीस लिया हमने, अब इसको बॉटल में भर देंगे। ये साल भर भी चल जाएगा, साल 2 साल बिना सीजन के भी हम पुदीने की खुशबू ले सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा पुदीना सेव करना, वो भी हरा हरा है। देखिए तो मैंने बताया छाँव में सुखाने के लिए, इससे पत्तियाँ बिल्कुल हरी बनी रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।